आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो आप लोग पूछना चाहते थे इतने दिन से। आज 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और अब हम लोग शेयर करेंगे। आप लोगों को मेरा नाम पता ही है और मेरा जन्म श्री गंगानगर जिले के एक गांव में हुआ है। उस गांव का नाम है अरायन और मेरे पापा का नाम है बूटा सिंह और वो खेती बाड़ी करते हैं और मेरी मम्मा का नाम है जसवीर कौर, वो हाउस वाइफ हैं। +2 तक की पढ़ाई मैंने गांव से ही की है क्योंकि हमारा गांव एक छोटा सा शहर है जो आसपास के गांव उधर ही आते हैं सामान लेने के लिए, तो हमको कभी ऐसे नहीं लगा कि हम लोग गांव में रहते हैं। हमेशा सब चीज़ मिलती थी, कपड़े तक हर चीज़ हमारे गांव में मिल जाती है। और हम लोग 3 भाई बहन हैं, सबसे बड़ी मेरी बहन है, उसके बाद मैं हूँ और मेरे से छोटा मेरा भाई है। दीदी की शादी हो चुकी है, उनके 2 बच्चे हैं और मेरा आप लोगों को पता ही है, और भाई की शादी अभी तक नहीं हुई है। +2 करने के बाद मैंने गंगानगर में एडमिशन लिया और मेरे कॉलेज का पहला साल ही था तभी मेरी शादी हो गई थी। अब साहब बताएंगे और बाकी की बातें हम लोग साथ में करेंगे। हाई गाइज, आई एम गगनदीप सिंह। मैं 35 ईयर्स की हूँ। आई वॉज बॉर्न इन हॉलैंड और मैंने स्टडी भी इधर की किया, इकोनॉमिक्स में। फादर साहब उनके नाम नक्षत्र सिंह है, माम का नाम शीतल है। मेरे पास एक भाई और एक बहन है, मेरे से बड़े है वो। जब मैं 20 साल का था मैं और मेरे डैडी की दादी और दादा के पास गया इंडिया में। मेरे पापा ने मेरे को पूछा आपने शादी करनी है? मैंने उनको बोला अगर आपको ठीक लगे तो कर लेंगे। तो उनके कोई दोस्त थे और अब ये बताएंगे। तो मेरे कॉलेज का पहला साल था, अभी मैंने एग्जाम दिए थे तो फिर एक दिन मेरे फुफ्फड़ जी आए और कहने लगे कोई लड़का बाहर से आया है तो हम लोग शादी कर देते हैं लड़की की, देख लो। फिर मेरी मम्मा पापा कहने लगे कि अभी लड़की छोटी है, अभी तो पढ़ाई कर रही है, कहते देख लो, वो कहते हैं कि हम लोग बाद में पढ़ा लेंगे। फिर हम लोग मिले एक बार, मैंने इनको देखा और मम्मी को देखा और डैडी को, इन्होंने मेरे को देखा, फिर इन्होंने बताया एक हफ्ते के बाद, कहते हमको लड़की पसंद है। फिर सारे कहने लगे कोई बात नहीं शादी कर दो, फिर हमारी शादी हो गई। बस अरेंज मैरिज है हम दोनों की। शादी के बाद मैं कॉलेज का लास्ट ईयर कंप्लीट किया, आगे पढ़ाई करनी थी वो कर नहीं पाई। फिर ये कहते नीदरलैंड में आने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती, एग्जाम देना पड़ता, उसकी तैयारी करो। फिर मैं उसकी तैयारी में लग गई और बीच में जो मेरी एज थी एक्चुअली 19 साल, और तब यूरोप का रूल था कि लड़की की उम्र 21 साल होनी चाहिए और लड़के की उम्र 23 साल होनी चाहिए। इस वजह से मैं आ नहीं सकती थी यहाँ पर। फिर हम लोग दोनों साथ में रहे गंगानगर में और हम फिर घर बनाया, साथ में रहे। फिर जब साहब की एज थोड़ी सी हो गई 22 साल की, फिर साहब इधर आ गए, इन्होंने जॉब की और फिर मेरे को मंगाया। मैं शादी के 4 साल बाद इधर आई थी। मेरे को हॉलैंड में आए हुए 9 साल हो गए हैं और मैं मैरिज बेस पर इधर आई थी, एग्जाम दिया था, उसके बाद मैंने एग्जाम पास कर लिया, फिर साहब ने इधर पेपर सबमिट कर दिए और मेरा वीजा आ गया। शादी वाले वीजे में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जैसे स्टडी वीजे या कोई और वीजे में आती है। हॉलैंड इतना मुश्किल नहीं है उसमें। मेरा वीजा सिर्फ 20 दिन में आ गया था, इन्होंने अप्लाई किया और 20 दिन के बाद लेटर आ गया था। बस फिर मैं दिल्ली जाके वीजा ले आई तो इधर आ गई। बस वो टाइम भी बहुत अच्छा था जो हम लोगों ने दोनों ने स्पेंड किया इंडिया में, वो भी नहीं भूल सकते, बहुत अच्छा टाइम था। एक्चुअली हमारे जो रिश्ता करवाते हैं वो 2 जने हैं, इनके पापा के फ्रेंड और मेरे फुफ्फड़ जी हैं, वो दोनों आपस में फ्रेंड थे और उन दोनों ने मिलकर हमारा रिश्ता कराया। और हमारी शादी भी ऐसे नहीं थी कि बहुत बड़ी होगी, सिंपल सी शादी थी बस, क्योंकि पापा मम्मा की टिकट थी, इन्होंने वापस आना था और बीच में टाइम नहीं था, 1-2 दिन का टाइम था। ये लोग कहते कहते हम लोग चले जाएंगे, अगर शादी करनी है तो 2 दिन बाद कर दो, नहीं तो फिर हम 1 साल बाद आएंगे। फिर मेरे दादा कहते कहते नहीं कर देते हैं, तो फिर जब बड़े ने बोल दिया तो पापा ने कुछ नहीं बोला, तो फिर बस 2 दिन बाद शादी कर दे। और फिर हम मैं इधर आ गई। बस इधर आने के बाद थोड़ी देर मैं मम्मा के पास रही 2 साल, और जब मैं इधर आई तो पहले पहले मेरा मन ही नहीं लगता था इधर। साहब अपने काम पर चले जाते थे और मम्मा भी तब काम करती थी, वो भी चले जाते थे, दीदी भी, और मैं अकेली घर पर रहती थी सारा दिन और टीवी देख लेती थी और मन नहीं करता था और सोचती थी हाय मैं कहाँ आ गई, जल्दी से वापस चली जाऊं। तो फिर धीरे धीरे हम लोग गुरुद्वारा साहिब जाने लगे
और मेरा मन थोड़ा थोड़ा लगने लगा, फिर मैंने धीरे धीरे थोड़े से फ्रेंड बनाए अपने, और फिर हम 6 महीने के बाद इंडिया चले गए मिलने के लिए। ये कहते मैं आपको इंडिया ले जाता हूँ एक बार, और फिर मम्मा कहने लगे, कहती घर पर बैठ कर क्या करती है, अभी तो तेरी स्टडी चल रही है, क्योंकि मैं वीक में 2 ही बार स्कूल जाती थी और बाकी का टाइम घर पे ही रहती थी। तो कहती कुछ सीख ले, और मेरी हॉबी थी कि मैं कपड़े बनाऊं। और फिर इन्होंने मेरे को टेलर के पास लगाया, मेरे पास सिर्फ 15 दिन थे, 15 दिन में उसने मेरे को कपड़े सिखाए, और जब मैं इधर आई फिर मैंने ले लेके कपड़े बनाए अपने और टाइम पास किया। उससे मेरा टाइम भी निकल गया, साहब हंसते हैं। मैंने पहले कोई कपड़ा कुपड़ा नहीं सीखा, इधर आने के बाद ही सीखा। जब मेरा टाइम नहीं पास होता था तो मैंने सोचा चलो कपड़े ही सी लूं। ये स्मार्ट बहुत है, एक बार देख लेना। तो मैंने उसने मेरे को 15 दिन में सिखा दिया बस। तो फिर मैं कुछ देख देख के बाद में सीख गई अपने आप, और घर पर बैठकर कपड़े सीती थी। उन्होंने मेरे को एक नई मशीन लेके दी, और सीते सीते इतनी बड़ी हॉबी हो गई कि अब मैं उसको छोड़ नहीं सकती। इनके पास ऊपर भी बड़ा सारा मशीन है। हाँ, 2-3 मशीन है मेरे पास, बस अब तो टाइम ही नहीं मिलता। बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज हमारे कपड़े बना दो, मैंने कहा नहीं। आज भी किसी ने बोला गुरुद्वारा साहिब में, कहते प्लीज मेरा एक सूट बना दो, मैंने कहा नहीं सॉरी मेरे पास टाइम नहीं। एक चीज और बताती हूँ आप लोगों को, जब मैं इधर आई तो मेरे को खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इधर के खाने का टेस्ट और इंडिया में खाने का टेस्ट बहुत अलग है। जो मैं इधर रोटी खाती थी मेरे मुंह में फूल जाती थी, 1 साल तक मेरे को कुछ पसंद नहीं आता, और अब इधर का इतना पसंद आता है कि इंडिया जाकर भी नहीं खाते हम लोग, इतना खाने लगे। देखो टाइम टाइम की बात है ना, धीरे धीरे ना एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्ट हो जाता है। हाँ, सब चीज एडजस्ट करनी पड़ती है, स्कूल, फिर इधर भाषा भी दूसरी थी, डच थी, समझ नहीं आती थी। फिर मैं सारा दिन सीखती थी, डच टीवी लगाती थी, स्कूल में जाती थी, स्कूल में भी मेरे जैसी थी मेरी सहेलियां जिनको डच नहीं आती थी, हम लोग ऐसे ही बातें करते थे, कभी इशारों में करते थे, कभी थोड़ा थोड़ा बोलते थे, बस ऐसे जिंदगी चली। और जब अलीजा हो गई फिर उसके बाद मेरे को कभी ऐसे नहीं लगा कि मैं अकेली, फिर मैं बिजी हो गई। अब तो अगर हम लोग इंडिया जाते हैं तो मेरे को महसूस होता है कि वापस कब जाएंगे अपने घर। बहुत फर्क हो गया पहले से, पहले तो दिन नहीं निकलता था, अब तो दिन में पता ही नहीं चलता कि दिन कब निकल जाता है बच्चों के साथ। ये तो है कि अगर आप लोग आना चाहते थोड़ी एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है पहले पहले। हम लोग देखते हैं कि विदेश बहुत सुंदर है, पर थोड़ी सी मुश्किलें तो आती हैं, पर वो टाइम भी निकल गया। अब तो बहुत सारी सहेलियां हैं, बातें करते हैं, बस इधर की टाइम ही नहीं मिलता। और हॉलैंड कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, वेरी नाइस है हॉलैंड, बहुत अच्छा लगता। अब तो छोटा सा कंट्री है लेकिन प्यारी बहुत है, और बहुत साफ सुथरा है। ये चीज मेरे को और भी ज्यादा पसंद है, ये बहुत साफ है, एक एक ईंट भी ये साफ करके रखते हैं हॉलैंड वाले। और दूध बहुत अच्छा है इधर, दूध की क्वालिटी मैंने नहीं देखी। अगर हम लोग इंडिया चले जाते हैं, मेरे को चाय नहीं पसंद आती उधर की, क्योंकि इधर चाय बहुत स्वाद बनती है और उधर का दूध थोड़ा पतला होता है। और अगर मम्मा इधर आती हैं तो वो कह देती हैं मैंने पतली चाय पीनी है, मेरे को पानी वाली चाय बना दे, उनको आदत पड़ गई है ना। इसलिए अलीजा अवलीन इतनी मोटी है, क्योंकि दूध में इतनी ताकत है ना। अभी तो मैं इनको बिना फैट वाला दूध देती हूँ, अगर मैं फैट वाला दूध दे दूँ तो बस फिर देख लेना हमारा क्या हाल होगा। हम लोग लो फैट दूध लेके मैं बचपन में ना फ्रिज खोलता था और कच्चा दूध जो होता ना बोतल वाला वो सीधा पी लेता था फुल। हाँ, इधर दूध साफ आता है, ठंडा गर्म करना पड़ता नहीं, नहीं रोटी के साथ ही दूध पी लेते हैं साहब, और बड़े भाई साहब भी ऐसे पी लेते हैं, बहुत अच्छा होता है। अलीजा अवलीन को तो गर्म पीने की आदत है, इसलिए अवलीन इनकी हॉलैंड की ट्रेडिशन है, खाना के साथ दूध पी लेते हैं। हाँ, गोरे ना, गोरे, हाँ ठंडा वो भी है, गर्म नहीं। पर ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई हॉलैंड में आएगा उसको दिक्कत है, यहाँ पर इतनी छोटी छोटी दुकानें, रेस्टोरेंट है, इतनी तरह का खाना मिलता है, अगर आपको पता है आप भूखे नहीं रह सकते। हर तरह का खाना मिलता है, किसी ने रोटी खानी है वो मिलती है, हर चीज मिलती है, ग्रीक का खाना, तुर्की खाना, कोफ्ते, पिज्जा, जो स्पगेटी, जो मर्जी खाओ, बहुत खाना मिलता है इधर। अच्छा है, अगर आप लोग आ सकते हैं आके देखना, घूमना और हमसे भी मिलना। बेल्जियम के बॉर्डर 150 किलोमीटर है, बेल्जियम के बॉर्डर, और जर्मनी का बॉर्डर 150 वो भी है, और पेरिस तो 500 किलोमीटर है बस। जाएंगे अगली गर्मियों में पेरिस, आपको लेके जाएंगे। और फिर हमने एक छोटा सा घर लिया दोनों ने, फिर हम लोग वहां रहने लगे, फिर हमारी शादी के 6 साल बाद अलीजा पैदा हुई, फिर हम लोग इधर आ गए नए घर में, अलीजा तब 1 साल की थी। ये है हमारी लाइफ। अब साहब से पूछो उनका बचपन कैसे था। मेरे बचपन बहुत अच्छा था, और बहुत नाइस फ्रेंड्स थे मेरे,
गोरे लोग भी थे, बाहर के लोग भी थे, और गोरे लोग मेरे को बुलाते था खा खान देव नाम नहीं लेना आता था। यहाँ की क्लाइमेट जो है ना हॉलैंड की बहुत अच्छा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सभी लोग एक जैसे है। अच्छा टाइम था, बहुत ज्यादा सुंदर बचपन, अच्छे स्कूल, जैसा लीजा और अवलीन की पढ़ाई है ना स्कूल में और सब जिंदगी, वैसे मेरा भी जिंदगी था। हाँ, पर कहते और अच्छा था, कहते बच्चे बहुत खेलते थे बाहर, तब इंडिया में भी खेलते थे जब हम लोग छोटे थे, क्योंकि तब आईपैड आईफोन नहीं था। अब माहौल चेंज हो गया तो इंडिया में भी बच्चे बाहर नहीं निकलते, इधर भी कम ही निकलते हैं बस। आज को तो पबजी खेलते ना बच्चे, और बस खेलते थे, खाते थे, पीते थे और बस। और मैं काफी मोटा था बचपन में, अवलीन जैसे बहुत खाता था, और सिंपल है लाइफ। हाँ, हमारी लाइफ ऐसी, हम लोगों ने आपको जो है रियल वही बताया कि जैसे हमारी शादी हुई, कैसे हम लोग रहते हैं, आप लोग रोज ही देखते हो हमारी लाइफ। मेरे पापा को काफी हार्ड वर्क किया क्योंकि हमारा जिंदगी अच्छा हो और लाइफ में सुधार है, मैं उनको बहुत ग्रेटफुल हूँ। बहुत नाइस पर्सन थे, अभी तो नहीं है इस दुनिया में, पर हम लोग उनको बहुत मिस करते हैं। उनको गुजरे हुए 2 साल हो गए हैं और मेरे को उन्होंने बताया था, हमको पता नहीं था एक्चुअली कि कौन सी कंट्री है जहाँ मेरे को जाना। जो रिश्ता करवाता वो कहता पेरिस है, कोई कहता स्पेन है। फिर मेरे को डैडी ने बोला, कहता बेटा आपको पता है हॉलैंड कहाँ, आपने पढ़ा है? मैंने कहा हाँ मैंने पढ़ा है, कहता हॉलैंड है। फिर मेरे को पता चला कि मैंने कौन से देश में जाना है, क्योंकि पहले इतना नहीं था, पहले तो छोटे छोटे फोन होते थे 1100 नोकिया है ना। हाँ, जब हमारी शादी हुई थी और साहब के पास इतना अच्छा फोन था ना, ऐसे करके खुलता था, और हमारा सारा गांव इकट्ठा हो गया। मेरे पास एक नोकिया था 2005 में ना, 2005 में या 2004 में, वो ऐसे खोलता था और उस और टर्न होता था। हाँ। उसके पास एक कैमरा था, वीडियो रिकॉर्डर बन जाता था वो नोकिया। और हमारे गांव से सारा गांव इकट्ठा हो गया आया था, क्योंकि कभी किसी लड़की की ना बाहर वाले लड़के से शादी नहीं हुई थी, देखने ही आए थे सारे। उस टाइम ना वो 1.25 लाख रुपए का था उस टाइम में, बहुत पहले जमाना, 2005 में तो आज का 10 लाख के बराबर है। अभी मम्मी पापा इंडिया में है आपको पता ही है मेरे, और दीदी भी इंडिया में ही है, भाई तो इधर है, आ जाता कभी कभी दूसरे शहर में रहता है। मेरे गाँव भी गंगानगर में है, डिस्ट्रिक्ट में है, और वो पंजाब जैसे एरिया, क्योंकि बॉर्डर पे पड़ता पंजाब की, तो जब हम कहते हैं ना राजस्थान में रहते हैं तो लोग समझते नहीं, लेकिन हम है पंजाबी और बिल्कुल पंजाब जैसे है। काफी अच्छे जमीन भी होते हैं क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर पे है और बहुत अच्छी जगह है। हमारे गांव से इनका गांव 30 किलोमीटर था। बहुत बढ़िया। फिर हम लोगों ने जिला ही चूज कर लिया, फिर हम लोग वहीं रहने लगे। अब तो गांव में जाने का मन भी नहीं करता, जब गंगानगर चले जाते हैं तो दिल करता वहीं रह जाए। और मेरे दादा दादी गांव में रहते हैं, मम्मी पापा कभी उधर चले जाते हैं उनके पास और कभी गंगानगर में आ जाते हैं, उधर भी देखना पड़ता है, दोनों तरफ वही ध्यान रखते हैं। बस ऐसे बस जिंदगी है। अगर आपने कुछ और पूछना हो तो मैसेज कर देना, फिर किसी दिन लाइव आएंगे हम जरूर। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय।